आप लोग ये किन चक्करों में पड़ रहे हैं? अयान ने खुद अपनी आंखों से फालतू की असलियत देखी है और एक बार नहीं बार बार, फिर भी आप लोग ये करना चाहते हैं? प्लीज इस बात को जाने दीजिए और अयान को चैन की सांस लेने दीजिए। आप लोग जा सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं करना है। पर मुझे सच जानना है। अयान प्लीज बस करो, तुम कब तक उसी बात पे अड़े रहोगे? फालतू जा चुकी है, अब प्लीज तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और बंद करो उसका टॉपिक। प्लीज आप लोग जाइए। डट जा नील, अंदर जाओ। अरे लेकिन अंदर जाओ नील बाबू। चल अंदर चले। बेटिया, अपने पोते की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो नादान है लेकिन दिल का बुरा नहीं, हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। है तो बड़े हो दादाजी, थारे को माफी मांगना बिल्कुल भी शोभा ना देती। और थारे थोड़ी कुछ किया है, थारे तो बस मारे को इज्जत दी, इसलिए थे माफी मत मांग। बेटिया, राधा रानी की कृपा से हमारे पोते को आप घर लेकर आई हो, केवल इसलिए कि आप एक बूढ़े आदमी की मदद कर रही है, तो इस बूढ़े आदमी को आपकी खातिरदारी करने का तो मौका दो। दादाजी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे नहीं है, आज के जमाने में तो अपने भी उतना नहीं करते जितना पराई होकर आपने किया है। दादाजी माना है ना, तो इतना हक भी नहीं दोगी। दादाजी आपने हमारे बारे में इतना सोचा वही मारे लिए बहुत, पर हमारा चलना ही सही होगा। नहीं बिल्कुल नहीं बिटिया, आपने हमें दादाजी माना है ना, तो हमने भी आपको अपनी पोती मान लिया है, और आपके एहसान का बदला चुकाने का मौका तो दो हमें। आओ बेटी अंदर आइए। बेटी आइए। क्या हुआ, आप क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे? क्योंकि अयान को ये पता चलने वाला है कि उस दिन पार्टी में 3 वेट्रेसेस को तुमने यहाँ भेजा था फालतू को किडनैप करने के लिए। क्या, लेकिन कैसे? जिन वेट्रेसेस के फोटो हमें हर्ष जी ने भेजे वो हमारे साथ काम ही नहीं करती। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात फालतू नशे में कैसे आई। वो 3 लड़कियों को गुहा नहीं भेजा है? अगर ये बात साबित हो गई तो अयान और फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और फिर अयान फालतू को घर लाने के लिए कुछ भी करेगा। अयान तो पुलिस से बात करना चाहता था, वो तो मैंने किसी तरह उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। रुहान, अगर पुलिस उन वेट्रेसेस तक पहुंच गई तो तुम्हारे तक पहुंचने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा, और फिर अयान उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अयान का दिमाग आजकल बहुत ज्यादा खराब है, वो कब क्या कर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। प्लीज डू समथिंग, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। तन्नो, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये चलता फिरता आग का गोला, भेजा फ्राई कर दिया इस लड़की ने, भूख भी लग रही है। घबराई हुई क्यों हो? किससे बात कर रही थी तनु? वो मैं, आप कब आई? जब तुम फोन पे अयान के बारे में कब क्यों कहां किससे कर रही थी ना, तब मैं आई। वो छोड़िए ना, आपकी मैं किससे बात करी थी, आप ये बताइए सिट से आपकी बात हुई? आपको पता है कि वो कितना ज्यादा अपसेट है? आप उससे नाराज हैं क्या? बोला मैं अपने बेटे से क्यों नाराज होने लगी, मैं उससे बात कर लूंगी,
पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम अयान के बारे में क्या बात कर रही थी। हाँ ठीक है ना, अभी कॉल करते हैं। He's missing you. अभी फोन लगाती हूँ उसे। बात को मत भटकाओ और मुद्दे पे आओ। ये बताओ कि तुम फोन पे अयान के बारे में किससे बात कर रही थी। वो मैं साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही थी। मुझे अयान के लिए ना अपॉइंटमेंट बुक करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो तुमने अयान के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया? हाँ, बुक कर लिया। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि अयान की जगह पे साइकेट्रिस्ट के पास कौन जाएगा? तुम जाओगी, क्योंकि अयान तो घर पे है ही नहीं। घर पर नहीं, मतलब अयान कहाँ गया? किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, सविता दीदी को भी नहीं। What the hell? How dare you? तुम घर के अंदर कैसे आई? डज इसे घर के अंदर आपने आने दिया? देख रहे हैं दादाजी, आपके राज रतन जी के ठाट, अभी अस्पताल से घर वापसी हुई नहीं कि वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे आदमी की मदद करके मारे को अफसोस ना होगा क्या? थे मारे को एक बात बताओ, थारे को अपने जीवन से दिक्कत की है? अरे क्या हो गया थारे साथ? किसी ने थारी तिजोरी लूट लिया, थारी भैंस लेकर भाग गया है। भैंस? Excuse me? तुमने भैंस भी पाल रखी है तो तुम मेरे साथ गाड़ी में क्यों आए? तुम उसी में बैठ के आ जाया करो ना। पक्की विलेज कर लो तुम, पर मैं तुम्हें जैसा नहीं हूँ। I'm a cool dude, okay? इसलिए मेरा खाना वापस करो तुम। ये खाना नहीं जहर, और ये अब थारे को वापस ना मिलने वाला। इसे कैसे नहीं मिलेगा? इधर लो ना, लेकर देखो। अरे लो, मुझे भूख लग रही है, तुम क्या कर रही हो? How dare you, तुम्हारा दिमाग। चुप! खेल खत्म। बहुत हो गया थार। अरे थारे को तुम्हारे को धन्यवाद करना चाहिए, थारी फिर से जान बचा ली है मैंने। ऐसे बच्चों जैसा सबको लगना पड़ता ना थारे पीछे, थोड़ी शर्म या लज्जा बाकी भी है या नहीं? गॉड, ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। डर्ज, एक मिनट के लिए लड़की बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। हाँ हाँ, जैसे तह तो मार लिए, नील ठंडी हवा के झोंके हो रखे हो ना। अरे मारे को भी कोई शौक ना, मैं तो जा रही थी, दादाजी ने मारे को रोक लिया। तो Of course, वो तो रोकेंगे ही ना। तुमने विक्टिम कार्ड जो प्ले किया होगा, जैसे मुझे नहीं पता ना कि मेरे डट कितने भोले होने, मैनिपुलेट करना कितना आसान है, कैसे फंसाया होगा तुमने। हाँ, थारे को तो जरूर पता होगा, यही करके तो उनका फायदा उठाते हो, भागते फिरते हो ना। मैं भाग लेता हूँ, बताऊँ मैं तुम्हें बताऊँ? दूर दूर, बिल्कुल दूर। बस 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 करो आप दोनों। नील, ये क्या बदतमीजी है, और क्या गलत कहा इस लड़की ने? आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी, हॉस्पिटल से अभी अभी वापस आए हो, और फिर से वो अगड़म बगड़म खाना शुरू कर दिया। बेटिया, बिल्कुल सही किया आपने। डर साहब, अब भी इसका सपोर्ट करो। बेटा जी, गरिमा और नितिन कल आगरा से आ रहे हैं। क्या कल भैया भाभी आ रहे हैं? जी हाँ, और वो लोग भी यही नसीहत देंगे आपको। हमारे हाथ से तो आप निकल चुके हो ना, लेकिन कल गरिमा आकर आपके कान खींचेगी। अरे पर मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? आप घर पे रहो तब तो बताएं ना। और दूसरी बात, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे आपको लीड करना है, इसलिए अपनी सेहत पर गौर करो, और खाने में सिर्फ उबला खाओगे। मैं उबला खाना खाऊंगा? राइट, सिर्फ उबला खाओगे। I can't believe this. मतलब ये कल की आई लड़की आपको मेरे खिलाफ भड़काती है और आप भड़क भी जाते हैं? अरे यार, this is not fair यार। मैं अपने ही घर में अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकता तो इसे घर क्यों कहते हैं? इसे जेल घुसित कर दो ना। बस नील, बहुत हुआ। याद है ना हम आगरा से मुंबई क्यों शिफ्ट हुए हैं? फाइन, मैं अपने रूम में जाता हूं, पर जब मैं सोकर उठू ना तब ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। इस घर में तो क्या, इस घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जैसे मारे को तो थारी कड़वे करेले जैसी शक्ल देखकर बहुत सुकून मिलता है ना।
दादाजी मेरे को चलना चाहिए, वैसे भी स्कोर मारा एक हवा में सांस लेना मुमकिन नहीं। बिटिया आओ दो मिनट बैठो, हमारे बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी तो हमें कुछ बताओ। बिटिया आपका नाम फालतू क्यों रखा आपके घर वालों ने? जो पैदा होती है अपने भाई को निकलेगी उसका क्या नाम रखना? इसका नाम फालतू होगा, फालतू। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। दादाजी आप तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे आपने हमारा नाम फालतू रख दिया। हमारा मानना इंसान का नाम जो भी उसकी पहचान उससे ना होनी चाहिए, इसलिए अब मैंने ठान ली है कि सबने फालतू से अनमोल बनकर दिखाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आपके परिवार को आप पर बहुत गर्व होगा। इतना पसंद आ गया अरवान? क्यों, मुझसे ज्यादा पैसे उसके पास इसलिए? ऐसा क्या दे दिया उसने तुम्हें जो मैं नहीं दे सका? अरे अरे कहाँ मैं घर परिवार की बात लेकर बैठ गया। आओ बेटिया आओ। बेटिया जीवन है तो उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते, अब हम ही को देख लो। सालों पहले हमने एक नया सफर शूज कंपनी शुरू की थी, तब सब ने एक सुर में कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं था। कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर था, लेकिन हमें तो बनना था बिजनेसमैन। तो बिटिया लोग चाहे कुछ भी कहे, मन में अगर ठान ली हो ना तो सब कुछ हो सकता है। कोशिश तुम्हारी यही है दादाजी, बस ये हिम्मत बंधी रहे, जल्दी से मारे को एक अच्छा सा काम मिल जावे, उसके बाद वापस जिंदगी पटरी पर आ जाए ना तो अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचूंगी। तुम नौकरी करना चाहती हो बिटिया? अगर हम आपको नौकरी दें तो? शुरू कीजिए प्रेजेंटेशन, देखिए क्या स्पेशल डील है। सर नया सफर शूज ने हमें एक प्रपोजल दिया है, विरार से लेके तो दहीसर तक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर हमारे जितने भी मार्ट्स हैं उन मार्ट्स में अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं। वे अपने शूज के प्रमोशन के लिए हमारी गुडविल और पॉपुलैरिटी की हेल्प चाहते हैं और उसकी वो मुंहमांगी कीमत देने को भी तैयार है। आई थिंक सर जो हमारे पास प्रपोजल आया बिल्कुल सही समय पर आया है। सर आपको पता होगा कि पिछले महीने में हमारे कंपनी का काफी नुकसान हो चुका था, इसके वजह से सर कोई इन्वेस्टर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। सर हमारे कंपनी को पैसे की काफी नीड है। नया सफर कंपनी के बारे में सुना तो काफी है, लेकिन कंपनी के ओनर कौन है? ब्रिज मोहन भारद्वाज, आगरा में इनका बड़ा नाम है, लेकिन अभी अपने बिजनेस मुंबई और बाकी सिटीज में भी लेकर जाना चाहते हैं और इसलिए कल हमसे मीटिंग भी करना चाह रहे हैं। गाइस आई श्योर इट्स अ गुड डील। तुम लोगों ने कंपनी और कंपनी के ओनर का बैकग्राउंड चेक किया है? हाँ सर, सर हमें जहाँ तक जानकारी मिली है बिल्कुल सही मिली, इट्स ऑल क्लियर सर। पता नहीं क्यों बट इस कंपनी को लेकर मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही, वो अच्छी है या बुरी पता नहीं बट वेट अ सेकंड। नाना दादाजी मैं एहसान के बदले धरा एहसान कैसे ले सकती हूँ? अरे बिटिया इसे एहसान करना नहीं एहसान चुकाना कहते हैं, वैसे भी इस शहर में हम ज्यादा लोगों को जानते नहीं है और भरोसेमंद और काम वाले लोगों को इस शहर में ढूंढना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए जो अच्छे लोग हमारे साथ हैं उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। ज्ञान जी इनके रहने के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। आजा बेटी आजा। दादाजी कोई जरूरत ना है, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी सच में। हाँ हाँ बेटा लेकिन हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन पहले नौकरी तो देख लो, कल हमारी बहू और बड़ा बेटा आ रहे हैं उनसे मिल लेना फिर चले जाना। अरे बेटा इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जान जी इनके लिए नए कपड़े तैयार कर दो और खाना भी लगा दो। आओ बेटा चलो आ जाओ। और सुनो बिटिया
वैसे नील को गलत मत समझना, उसकी कड़वाहट जो है ना वो जाते जाते जाएगी। वैसे बच्चा हमारा बहुत प्यारा है। जाओ। हेलो जिया, क्या कह रहे हैं आप? वो पैसे मिल जाएंगे वापस? जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, धन्यवाद। राधे राधे, ये आपका संकेत नहीं है तो और क्या है? इस लड़की के घर में कदम पड़ते ही सालों से अटके हुए पैसे वापस मिल रहे हैं, ये सब आप ही की कृपा है। मुझे तो लगता है कि नील के लिए कड़वा मेथी पात ये लड़की है। राधे राधे। हाँ बेटे। बाबा ऑफिस में सब ठीक? जी बाबा, एक्चुअली आपसे एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करनी थी। बाबा आप बाय एनी चांस नया सफर शूज के ओनर को जानते हैं? नाम तो सुना है लेकिन जानता तो नहीं। वही आगरा के रहने वाले हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं एक्चुअली उनकी कंपनी की तरफ से एक प्रपोजल आया था लेकिन मैं अपना मन नहीं बना पा रहा हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड डील, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेता हूँ, शायद चीजें बेहतर समझ आए। ये ठीक रहेगा, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ, तुम रेस्ट करो। नहीं बाबा, बाबा बहुत हो गया रेस्ट, अब मैं अपना ध्यान काम पे लगाना चाहता हूँ। एक बार उनसे जाके मिल लेता हूँ एंड देन आई अपडेट यू। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ओके बाबा, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, फिक्स अ मीटिंग विद मिस्टर भारद्वाज एंड मेक श्योर ही इज अ वेरी सीनियर बिजनेसमैन, यू हैव टू ट्रीट हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, हमारी कंपनी से कोई भी उनसे मिलने जाए सम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए, और डेट एंड टाइम भी उन्हें फिक्स करने दीजिए। ओके, लेट मी नो। ऑलराइट। सर मिस्टर रुवान सचदेव आपसे मिलना है। मार्ट साहब के बारे में सोचकर दुखी होने का वक्त ना है, तो तुम्हारे बिना संभल गया ना, मैं भी संभल जाऊंगी। जिंदगी का दिया हुआ ये दूसरा मौका हाथ से ना जाने दूंगी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।